आज का टॉपिक है आपको पाके रहेंगे। ये ठान चुका है कोई तो क्या है उस पर्सन का लक्ष्य जिसकी वजह से इस पर्सन ने इस तरह से गोल सेट किया है, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और गॉडेस ओरेकल है उसमें से 7 मैसेजेस, ताकि हम कनेक्ट हो पाए उनके जज्बातों से डायरेक्टली। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। तो पहले यही कार्ड देख लेते हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे इस कार्ड को देख के पता चलता है, एक कपल है, 2 बच्चे हैं, एक घर है, सतरंगी दुनिया है, सपनों से भरी दुनिया को दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई आपको पाना है, ये ठान चुका है। तो क्यों ठान चुके? क्योंकि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी लाइफ इमेजिन करते हैं। ये ज़िंदगी वो आपके साथ जीना चाहते हैं, जिसमें वो अपना जो वक्त है और अपने ज़िंदगी के हर एक लम्हे में आपको महसूस कर सके। तो ये तो उनका मेन मकसद है। नेक्स्ट देखते हैं कार्ड क्या है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये रिवर्स आया है। तो जैसे यहाँ पे ये किंग बैठा हुआ है, सोच रहा है अपने जज्बातों को लेके, तो अब ये एक्शन मोड में आने को तैयार है। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब तक वो इस तरह से स्टिलनेस की, यानी कि जैसे शांत बैठ के, कोई पर्सन है जो बरसों से किसी के बारे में सोच रहा है, बस सोच ही रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये सपना कैसे पूरा होगा, ये वो समझ चुके हैं या समझ चुकी है, जिसकी वजह से अब उस इमोशन से, यानी कि अगर इनका वाटर साइन है तो काफ़ी ज़्यादा जज्बाती पर्सन होते हैं, मतलब बहुत कुछ सोचा जाता है, अगर ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, तो इस तरह की उलझनों में दिल उनका फंसा रहता है। लेकिन शायद इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वक्त हाथों से निकलता चला जा रहा है और आपको पाना है तो कुछ एक्शन तो लेनी पड़ेगी। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते, साफ साफ आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, जिसमें आपके भी कुछ रिएक्शन उन्हें जानने की ज़रूरत महसूस हो रही है। यानी कि जैसा ये सपना आपके साथ ये पूरा करना चाहते हैं, वैसे आपके क्या सपने हैं, आपने क्या सोचा है, या फिर अगर इस सपने को पूरा करना है तो आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी शायद वो क्लियरली, यानी कि बहुत साफ साफ बिना किसी हिचकिचाहट से आपसे करने को अब तैयार हो चुके हैं। फिर है टेम्परेंस। जैसे यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में हम देख रहे हैं एक एंजल है जिसके हाथ में 2 कप है, तो वो समझ चुके हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से ही है। यानी कि ज़िंदगी में उनका आपसे मिलना, आपसे प्यार हो जाना और आपके साथ इस तरह से ज़िंदगी भर का सफ़र वो इमेजिन कर रहे हैं, ये सपना उन्हें रोज़ फील होना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके पीछे ज़रूर डिवाइनली कुछ कनेक्शन है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, सदियों से हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसा हमें किसी एक पर्सन के बारे में ही फील होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर में जैसे लाखों की भीड़ है और हर कोई पर्सन हमें अच्छा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ये समझ रहे हैं कि प्यार दोनों तरफ है, यानी कि जैसे ये आपसे प्यार करते हैं वैसे उन्हें पता है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं या करते हैं, और शायद इसी एनर्जी को ये डिवाइन की ब्लेसिंग समझ रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन खुद हमें सपोर्ट कर रहा है या हमें ब्लेसिंग दे रहा है, तो फिर मैं इस पर्सन को क्यों नहीं पा सकता या क्यों नहीं पा सकती, ये डर ही मुझे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर ये पर्सन ऊपर वाले ने मेरे लिए ही सिर्फ बनाया है, तो अब उन्हें उस बात का ज़्यादा यकीन हो चला है, जिसकी वजह से अब ये एक्शन मोड में आने को तैयार है। जैसा कि ये कार्ड में हम देख रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कप रिवर्स है, और यहाँ पे यही कप
उसने हाथ में ले रखा है और घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ बैठा हुआ है, ये सोच रहा है, बस सोच ही रहा है और अपने जज्बातों में खोया हुआ है। लेकिन अब इस कार्ड में ये एक्शन मोड में उतर आया है, क्योंकि घोड़ा भी है, चल के भी आ सकता है, लेकिन घोड़े के वजह से और भी ज़्यादा स्पीड मिल सकती है उसको आप तक पहुंचने के लिए। ये सोच के उसने ये घोड़ा चूज किया है और साथ ही साथ ये कप लेके वो पूरी तैयारी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्यों बढ़ रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ फैसला कर लिया है अपने ज़िंदगी का। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। जैसे मैजिशियन का कार्ड है, ये क्लियरली बता रहा है ये पर्सन शायद आपके लिए बहुत वक्त से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यानी कि जब कोई हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि उस पर्सन के साथ हमारा जो रिश्ता है वो सदियों तक रहे। यानी कि जब तक हमारी आखिरी सांसें हैं उस सांस तक इस पर्सन से हम हमेशा जुड़े रहे। हम दोनों के बारे में ही एक अलग ही दुनिया रहती है। ऐसी दुनिया में ये पर्सन बहुत ज़्यादा खोए रहते थे, जिसकी वजह से शायद इन्होंने काफ़ी वक्त से मैनिफेस्टेशन किया है। जैसे यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है जो बता रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं एहसास है कि आप सिर्फ उनके लिए ही बने हुए हैं या उनके लिए ही बनी हुई है। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी दोहराता है। तो इस पर्सन के सामने अब कप भी है, जैसे यहाँ पे ये कप है, तो अपने जज्बातों को भी बताना चाहते हैं। पेंटिकल भी है, यानी कि अपनी विश भी आपको बताना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी आपके बारे में बताना चाहते हैं। वैन भी है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। और सॉर्ट भी है जो क्लियर कम्युनिकेशन करने को तैयार है आपसे भी, आपके घर वालों से भी और हो सकता है अपने खुद के घर वालों से भी। तो ये जो करेज उनके अंदर अब आ चुका है कि अब मैं किसी भी बात को, अपने दिल में जो बात छुपी हुई है उसको बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, ये क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने खुद फैसला किया है कि अब आपको वो पाके ही रहेंगे। अब देखते हैं गॉडेस ओरेकल में से कौन से कार्ड मिलते हैं शफल करके। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है विजडम। रिमेम्बर, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी वक्त बिताया है उस वक्त में ये ज़्यादा खोए रहते हैं और उस बात में खोए रहने की वजह से उन्हें एक बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इतना सुकून मुझे इस पर्सन के साथ अब तक मिला है तो मेरी आगे की ज़िंदगी भी इसी तरह से सुकून से बीत जाएगी। यानी कि दुनिया में, मतलब इंसान को चाहिए क्या होता है, किसी के पास मान लीजिए अच्छा खासा बैंक बैलेंस है लेकिन उसका साथ निभाने के लिए कोई पर्सन है नहीं, अकेले खाना खा रहा है, ना तो उसकी परवाह करने के लिए कोई है, ना दिन भर में उसको कोई पूछ रहा है कि तुम ठीक हो या ठीक हो, कैसे है, तुम्हारी क्या चल रहा है, ये अगर केयर करने के लिए कोई हमारे साथ है ही नहीं तो क्या मतलब उस पैसों का। तो इस पर्सन को यही बात लग रही है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें इनकी सच्चे दिल से बहुत ज़्यादा परवाह है और आपके साथ बिताए हुए सुकून के लम्हे उन्हें याद आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि आगे का ज़िंदगी का सफ़र भी आपके साथ इसी तरह से सुकून से बीत जाएगा अगर आप उनके साथ होंगी या होंगी। नेक्स्ट है सेंचुरी। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ, तो अब उन्होंने अपनी जो हिम्मत है उसको जुटा लिया है और ये अपनी हिम्मत के साथ आपको अपने दिल के जज्बात बताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं वो पर्सन। जैसे कहते हैं ना कि अपने स्पेशल समवन के कंधे पे अगर 2 मिनट भी आप सिर रख के शांति से बैठ जाओ तो भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। वो इमोशंस अपने आप सामने वाले पर्सन तक पहुँच जाते हैं और आपके जो
स्ट्रेस भरे इमोशंस होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस छोटे से खरगोश को एक यहाँ पे छोटा सा गुफा जैसा कुछ दिख रहा है और वो खुशी से वहाँ पे दौड़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे उसको तकलीफ देने के लिए कोई नहीं होगा। तो ऐसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपके साथ उनका ये जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छी तरह से बीत जाएगा ज़िंदगी का, अगर आप उनकी ज़िंदगी में होंगे। फिर है पीस, ओपन योर हार्ट। तो जैसे यहाँ पे पीस का कार्ड बता रहा है, आपका ख्याल ही उनके दिलो दिमाग को सुकून दिलाता है, यानी कि प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं वो, लेकिन साथ ही साथ एक सुकून महसूस होता है जब आपका ख्याल उनके दिल में होता है, आप उनके साथ होते हैं, या फिर आप दोनों का एक दूसरे से जो कनेक्शन है वो ये पर्सन फील कर पाते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन वो फील कर पाते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं या सोचती है। फिर है स्लीप, स्लो डाउन। शायद आपके ख्यालों में इतना ज़्यादा खोए रहते हैं कि रात को भी उन्हीं ख्यालों में खोए रहने की वजह से कब उन्हें नींद आ जाती है ये भी उन्हें पता नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी नेचर भी है इस पर्सन का, लेकिन वो ड्रीम भी अगर देखते हैं या देखती है तो वो भी सिर्फ आपके लिए, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम शायद ये सपनों से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। फिर है स्टिलनेस, बी काम एंड क्वाइट। तो शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन बहुत शांत थे, आपको भी शायद लगा होगा कि सच में ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, इसके बारे में शायद उन्होंने आपको कोई जवाब भी नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने शांत रह के और खामोशी से बहुत कुछ सोचा है। जैसे किंग ऑफ कप्स के कार्ड में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं अगर वो वाटर साइन के हैं तो उन्होंने शांत रह के सुकून से सोचा है कि आखिर वो चाहते क्या है या चाहती क्या है, और उन्हें तब पता चला है कि हाँ यही है उनकी चाहत कि आखिरकार अब आपको पाना ही है, यानी कि आपसे पाने से बेहतर उन्हें सुकून भरा और कोई ऑप्शन शायद नहीं नज़र आ रहा। फिर है ब्लिस, ओपन योर डोर टू डिवाइन। जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा, ये मैनिफेस्टेशन के यहाँ पर ही कार्ड आया है, तो वो डिवाइन से आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये तो बात यहाँ पे क्लियर ही है, और डिवाइन से मांग रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए जुड़ रहे हैं। ओपन योर डोर टू डिवाइन, तो डिवाइन की हेल्प यहाँ पे ज़रूर ली जा रही है। जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में हमने देखा, टेम्परेंस के कार्ड में, उन्हें यकीन है कि एंजल की ब्लेसिंग की वजह से ही आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में आए या फिर एक दूसरे से जुड़े। और फाइनल कार्ड है रेडियंस, रिजॉयस इन योर लाइफ। जैसे यहाँ पे इसको समझ में आ रहा है कि उसके दिल का सुकून, उसके दिल की खुशियाँ, ये सब जुड़ी हुई हैं किससे, और ये उन्हें समझ में आ रहा है कि ये और कोई नहीं, ये है आप। तो जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए किसी के साथ, किसी के पास बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है, लेकिन ऐसा पर्सन उसकी ज़िंदगी में नहीं है जो उससे सच्चे दिल से प्यार करता हो, तब उसकी जो हालत हो जाती है वो बात क्या होती है, ये पर्सन उस बात को समझ चुके हैं, यानी कि शायद अब इन्हें ये एहसास है कि बाकी कंफर्ट जोन से ज़रूरी है कि हमारा प्यार करने वाला इंसान हमारे साथ हो। तो इसी साथ के लिए, इसी प्यार को पाने के लिए उन्होंने शायद ठान लिया है आपको पाना है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितने कार्ड रेजोनेट हो वो ले लीजिए। उम्मीद है आपके पर्सन भी आपसे इसी तरह से बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते होंगे, या फिर डिवाइनली आप प्रेयर कर सकते हैं कि यूनिवर्स से कि आपको भी ऐसा प्यार करने वाला पर्सन डिवाइन आपको दे दे। तो मिलते हैं नए रीडिंग में नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।